बताने जा रहा हूं दूसरे प्रकार का सवाल। अब आज मैं ऐसा जादुई तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिस जादुई तरीके की मदद से आप किसी भी फंक्शनल रिलेशन का फंक्शन निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी फंक्शनल रिलेशन का फंक्शन निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी फंक्शनल रिलेशन का फंक्शन निकाल सकते हैं। ध्यान देखिए, टू फाइंड फंक्शन सैटिस्फाइंग एनी फंक्शनल रिलेशन। ये इतना गजब का मेथड है, ये इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। कोई भी फंक्शनल रिलेशन गिवन हो, कोई भी फंक्शनल रिलेशन गिवन हो, उस फंक्शनल रिलेशन को कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करता है? आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना शुरू करूं। मान लीजिए एक रिश्ता गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। हमको पता लगाना है कि कौन सा फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल गजब की बात मैं बताने जा रहा हूं, सब बच्चे इस गजब की बात को सुनिए। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आपको ब्रह्मांड में कोई भी फंक्शनल रिलेशन गिवन हो तो कौन सा फंक्शन उसको सेटिस्फाई करता है, ये आप बता सकते हैं। अब देखिए, मेथड बिल्कुल सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, प्लीज डोंट यूज माइंड, और कहीं माइंड लगाएंगे, यहां तरीका लगाएंगे। अब सुनो ध्यान से, मेथड क्या कहता है? पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, पहले मुझे बताइए, क्या सब बच्चों को पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता? कोई ऐसा बच्चा जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन ना आता हो? चलो अच्छा, जिसको नहीं आता मैं बता देता हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट मानना है, उसके अलावा सारे कांस्टेंटों को कांस्टेंट मानना है और सारे वेरिएबलों को भी कांस्टेंट मानना है, उसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट। पार्शियल डिफरेंशिएट शब्द का अर्थ है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब तो वाई के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। वाई के अलावा जो कुछ दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, सब कांस्टेंट है। जैसे छोटा घटिया एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे आंखों के सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा हो और मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूं वाई के रिस्पेक्ट में, डॉ, इस सिंबल को पढ़ते हैं डॉ, डॉ चिन्ह होता है, डॉ चिन्ह होता है, डॉ सिंबल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और डी, डी सिंबल होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन का। आइए दोनों में अंतर समझ लीजिए। जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो और वाई का डेरिवेटिव वन। क्यों? क्योंकि जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वाई के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू वन आ गई। जबकि यहां डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डी वाई बाई डी वाई। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन। ये अंतर होता है पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव। डी को पढ़ते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव, डॉ को पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल सा अर्थ है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल के अलावा बाकी सब कॉन्स्टेंट है, बाकी सब का डेरिवेटिव जीरो। ओके, तो मैंने यह ट्रिक बता रहा था, तो ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव और कंप्लीट डेरिवेटिव बता दिया। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव और ये होता है कंप्लीट डेरिवेटिव। अब सुनेंगे ध्यान से, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए एंड पुट वैल्यू ऑफ वाई सो दैट वी गेट एफ डैश एक्स। आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है, अब और कोई लक्ष्य नहीं है। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और वाई की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि आपको एफ डैश एक्स मिले।
यही जीवन का लक्ष्य है। चलिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव तो यही आ जाएगा। अब fx तो कांस्टेंट की तरह है, कांस्टेंट इससे मल्टीप्लिकेशन में है, ये आ गया। ये लीजिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, अब क्या करेंगे, अब y की ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि एफ डैश एक्स मिले। तो यहां पर मैं वाई को जीरो रख दूंगा ताकि मुझे एफ डैश एक्स मिल जाए। ये आ गया निकल के। मेथड सेट है, प्लीज डोंट यूज द ब्रेन। अब आ जाइए नाउ पुट, अब एफ ऑफ कांस्टेंट, एफ डैश कांस्टेंट को के रख दीजिए, एफ एक्स को वाई रख दीजिए एंड एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स रख दीजिए एंड सॉल्व दिस इक्वेशन बाई इंटीग्रेटिंग। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप। अब क्या करेंगे, एफ डैश अगर कॉन्स्टेंट को के रखेंगे, एफ एक्स को वाई रखेंगे, एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई। अब आप इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे, ऐसी छोटी मोटी इक्वेशन है तो आपके फिजिक्स के टीचर गजब तरीके से बता चुके हैं, ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। इसका इंटीग्रेशन एल एन वाई, इसका इंटीग्रेशन के एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना नहीं भूलना है। तो यहां से निकल के आ गया वाई इक्वल टू ई की पावर के एक्स प्लस सी। यहां पर ध्यान देना कि के अननोन नहीं है, के तो नोन है। के किसके बराबर है, एफ डैश जीरो। कौन अननोन है, सी। नाउ फाइंड सी। अब कैसे सी निकालेंगे, मुझे जगह चाहिए, बोर्ड भर गया है, कॉपी करें तो अब मैं बताऊंगा सी कैसे निकालेंगे, कॉपी करिए। तो हम लोगों को यह रिश्ता गिवन था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, और हम लोग यहां तक पहुंच गए थे के एक्स प्लस सी। ध्यान रखना के तो यहां पर नोन है, के एफ डैश जीरो के बराबर है, सी फाइंड करना है। फाइंड सी बाय पुटिंग वेरियस वैल्यूज इन द ओरिजिनल गिवन रिलेशन। सी निकालने का तरीका होता है कि जो ओरिजिनल गिवन रिलेशन है इसमें अलग अलग वैल्यू रख दो। जैसे इसमें मैं अगर एक्स एंड वाई दोनों को जीरो रख दूं तो मुझे रिश्ता मिलेगा, क्या रिश्ता मिलेगा, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ स्क्वायर जीरो। यानी दो बातें हो सकती हैं, या तो एफ जीरो वन होगा या एफ जीरो जीरो होगा, और तो कोई बात नहीं हो सकती। और यहां से देखें, यहां से मुझे एफ एक्स ई की पावर के एक्स प्लस सी मिला है, तो यहां से एफ जीरो ई की पावर सी आ गया। तो दो बातें होंगी, पहली बात यह होगी कि अगर ई की पावर सी वन, यानी अगर एफ जीरो वन ई की पावर सी वन, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई। दूसरी बात होगी कि अगर एफ जीरो जीरो ई की पावर सी जीरो, तो सी माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये हो गया रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट ही आना चाहिए। तो ये हो गया एक्सेप्टेड। तो यहां से सी की वैल्यू पता लग गई कितनी, जीरो। ना सिर्फ सी की वैल्यू पता लगी बल्कि ये भी पता लगा कि एफ जीरो इज वन, ये रिजेक्ट हो गया, ये पता लगा कि एफ जीरो इज वन, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप सी को जीरो रख दीजिए, मिल गया फंक्शन। यही है वो फंक्शन जो कि इस रिश्ते को, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। एक बार फिर से पूरा मेथड बता देता हूं। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और वाई की ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि एफ डैश एक्स मिले। यही जीवन का लक्ष्य है। उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप निकालेंगे अलग अलग वैल्यू रख के। जैसे ओरिजिनल रिलेशन में मैंने एक्स और वाई दोनों को जीरो रख दिया, तो उससे मुझे दो वैल्यू प्राप्त हुई और यह फंक्शन मिला था। इसके अंदर टेस्ट कर लिया कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड, कौन सी वैल्यू रिजेक्टेड। ध्यान रखना
कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा फाइनाइट ही होना चाहिए। क्लियर हुआ पूरा सवाल? कॉपी कर लें। तो अभी अभी हमने डिस्कवर कर लिया एक ऐसा मेथड कि अगर ब्रह्मांड का कोई भी फंक्शनल इक्वेशन आ जाए तो हम कौन सा फंक्शन उसको सेटिस्फाई करता है निकाल सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और करके देखें। मान लीजिए रिश्ता आ जाए कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई, मेथड सेट है। चलो देखें, मुझे पता लगाना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। मेथड सेट है, बुद्धि यहां नहीं लगाए। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव जीरो प्लस एफ डैश वाई बन जाएगा। पार्शियल, यहां चेन रूल लगाया, चेन रूल एफ डैश एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बोला था, वाई की ऐसी वैल्यू रखिए कि एफ डैश एक्स बचे, तो यहां पर हम वाई को वन रख देंगे तो एफ डैश एक्स इंटू एक्स ये एफ डैश वन हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिखिए और एफ डैश कॉन्स्टेंट को के लिख दीजिए, तो यहां से डी वाई आ जाएगा के डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, फिजिक्स में छोटे मोटे इंटीग्रेशन किए ही होंगे क्योंकि बड़े इंटीग्रेशन तो मैथ्स में होते हैं। ये निकल के आ गया, तो यहां से हमको फंक्शन तो पता लग गया के एल एन एक्स प्लस सी। ध्यान रखना के तो नोन क्वांटिटी है, के तो पता है, क्यों, क्योंकि किसके बराबर है एफ डैश वन, अरे उसी को तो अपन ने के रखा था। पता किसको करना है, सी को, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। चलो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता करने का तरीका होता है कि ओरिजिनल रिलेशन में कुछ एक्स और वाई की वैल्यू रख के वैल्यू पता लगाओ। तो ओरिजिनल रिलेशन में एक्स और वाई अगर दोनों को वन पुट कर दूं तो भैया एफ वन इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ वन, वाह गुरु जी, दैट इज एफ वन की वैल्यू जीरो आ गई। तो यहां से एफ वन की वैल्यू सी आ रही है, तो सी शुड बी जीरो, मिल गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पता लग गया फंक्शन के एल एन एक्स। यही है वो फंक्शन जो कि इस रिलेशन को करता है सेटिस्फाई। कॉपी करिए। अभी अभी हमारे हाथ ऐसा ब्रह्मास्त्र लगा है कि कोई भी रिलेशन दे दे हमको, हम रिलेशन का फंक्शन निकाल लेंगे। आइए ब्रह्मास्त्र का एक और इस्तेमाल करके देखें। एक रिश्ता गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाह खतरनाक रिश्ता। एक ऐसा फंक्शन पता लगाओ जिसके लिए ये इसके बराबर हो जाए, ढैन टैन कैसे होगा। चलो कोशिश करते हैं। तो हमको ऐसा रिश्ता पता लगाना है, ऐसा फंक्शन पता लगाना है जो कि इस रिश्ते को करता हो सेटिस्फाई। चलिए वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए तो यहां ये आ जाएगा, चेन रूल लगेगा इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्वोशेंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और इधर का पार्शियल डेरिवेटिव ये आ गया निकल के। यहां पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया तो अंदर वाले में चेन रूल लगेगा और चेन रूल में कोशेंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब हमको वाई की ऐसी वैल्यू रखनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा है लेकिन हम तो ब्रह्मास्त्र लेके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा जीरो प्लस वन 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 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, तो प्लस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हाँ, अब हमको वाई की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि एफ डैश एक्स बचे, वाह गुरु जी वाह, वाई को जीरो रख दें तो देखिए एफ डैश एक्स बच गया। इधर वाई को जीरो रखा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, इधर एफ डैश जीरो बच गया। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को
डीवाई बाई डी एक्स और एफ डैश जीरो को के, तो डीवाई आ गया के इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए, फिजिक्स में चुनने मुन्ने इंटीग्रेशन किए होंगे, तो y इक्वल टू के टैन इनवर्स x प्लस सी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स x टैन। लीजिए फंक्शन पता लग गया, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाले बिना काम अधूरा है। तो यहां पर हम अगर x को जीरो एंड y को जीरो रख दें तो f जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो, यहां से निकल के आ गया कि f जीरो की वैल्यू जीरो है। वाह गुरु जी वाह, यहां से देखें तो f जीरो की वैल्यू c है, तो c जीरो। बेहतरीन, कितना भयानक फंक्शन, कितने आराम से निकाल लिया। यानी जो फंक्शन इस खतरनाक दिखने वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करता है वो यही है k tan इनवर्स x। कॉपी कर लीजिए।